पिछले 6 साल से दलित विकास बिंदु प्लान इंडिया में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मिशन के स्कूल में 10th पास किया, इसके बाद आगे की पढ़ाई मैं नहीं कर पाया क्योंकि घर की स्थिति थोड़ा आर्थिक स्थिति दयनीय थी। अपने दैनिक कामों को करते हुए बच्चों को पढ़ाने के मन में इच्छा जागी और मैंने अपने घरों में काम जाने से पहले बच्चों को फ्री ट्यूशन करने लगा। धीरे धीरे काफ़ी बच्चे स्कूल जाने लगे, पढ़ाई के महत्व को जानने लगे। जी वो मतलब छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को तो जरूर लाते हैं, साथ में अगल बगल गांव के टोले वाले बच्चे को भी जो है अपने हाथ पकड़ के भी ले आते हैं। 2.5 साल पहले अच्छी तरह से समाज के कार्य कर रहा था और इसी बीच मेरा दाहिने हाथ में बर्न ट्यूमर हुआ और बर्न ट्यूमर की वजह से मेरा हाथ काटना पड़ा। हाथ काटने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं दूसरों के स्थिति को देखा तो उसके सामने में मेरा बहुत कम था, ये सोच के मैं हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, इस काम में जुट गया। फिर से प्रत्येक महीना बच्चों का मीटिंग मैं करता हूँ, जैसे बाल विवाह हो गया, बाल मजदूरी हो गया, बाल सुरक्षा हो गया। बचपन में हम लोग कुछ नहीं जानते थे तो हम लोग ऐसे ही खेलते कूदते थे, पढ़ाई के बारे में हम लोग को इतना मालूम नहीं था। इसके बीच असामाजिक तत्व के लोग आने लगे और हम लोगों को बहला फुसला कर मतलब उसके समूह में क्रांति में शामिल करवाना वो लोग चाहते थे। और उसको उससे अलग करने के लिए मैं तरह तरह का कार्यक्रम करने लगा अपने स्तर से, जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट। हम लोग को फुटबॉल में शौक था कि संजय भाई भी सहयोग देते थे, बोलते थे हम लोग तुम लोग हम बहुत ऊंचाई तक हम लोग पहुँचाएंगे, तुम हम खेलना शुरुआत किए। फुटबॉल खेलने से नौजवान की एकताएँ बढ़ती है और इसमें एक जगह होने का मौका मिलता है बच्चों को, हमको चर्चा करने का वहाँ पर अवसर मिलता है। आगे का मेरा यही सपना कि युवा लोग देश की सेवा करें और अच्छा नागरिक बने देश के लिए।